अभी हम लोग हैं राम वनगमन पथ की यात्रा पर, इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम। वाल्मीकि जी के आश्रम तक आने के लिए आप सबसे पहले आना पड़ता है चित्रकूट। चित्रकूट आप बाई बस बाई ट्रेन बहुत आसानी से आ सकते हैं, और वहां से फिर आप टैक्सी करके ई रिक्शा करके बहुत आराम से आ सकते हैं। दूर की बात करें तो 20 से 22 किलोमीटर की दूरी बचती है चित्रकूट से वाल्मीकि आश्रम। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम। पीछे आप देख रहे हैं वाल्मीकि जी की बहुत बड़ी यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, और यहाँ पे इस समय काम वगैरह भी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी हम लोग चलेंगे वाल्मीकि आश्रम के ऊपर, जाना होता है और चल के आपको कराएंगे दर्शन और देंगे सारी जानकारी। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए। तो यहीं जब आप वाल्मीकि आश्रम आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वाल्मीकि जी की बहुत ही खूबसूरत स्टैचू बनाया हुआ है, और यहीं पे भक्तों को बैठने के लिए काफी अच्छे से जगह दी गई है, और यहीं से सीढ़ियां भी शुरू हो जाती हैं। सीढ़ियां जानकारी करने में पता चला तो लगभग 700 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर हमको जाना होगा। तो अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं। जय श्री राम। तो जब आप वाल्मीकि आश्रम आते हैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपको लगभग 400-500 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और आपको सबसे पहले एक हनुमान जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद असावर देवी मंदिर के दर्शन होते हैं। तो अभी हम असावर देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ चल रहे हैं। रास्ते में भी आप देखिए कि अभी हम लोग थोड़ी सी ऊंचाई पे आ गए हैं, और ये पीछे का नजारा है। जब आप इधर साइड आएंगे तो आपको देखेंगे बहुत हरा भरा नजारा देखने को मिलता है भाई, बहुत सारे पेड़ हैं, तो इधर ही सबसे अच्छी चीज है। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं क्योंकि शाम का समय हो गया है, तो जल्दी हमको नीचे भी आना पड़ेगा। वीडियो कैसा है कमेंट करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा अभी हम लोग करीब आधी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सारी सीढ़ियां हम लोग चढ़ते आ रहे हैं। शाम का समय है भाई, तो कोई यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। आप जब चित्रकूट धाम आएंगे कभी, क्योंकि 10-20 किलोमीटर की दूरी के जो रेंज के तीर्थ स्थल है ना, वो आपको दिन में ही कवर करने पड़ेंगे। शाम के समय कोई आता जाता नहीं, रात को कोई दिखता ही नहीं। तो भाई आप जब भी आए कोशिश करें सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में ही आपको दर्शन करने चाहिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं, लेकिन कुछ देर में हम लोग पहुँच जाएंगे और आपको दर्शन कराते हैं वाल्मीकि ऋषि। जय श्री राम। देखत वन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। ये चौपाइयां सिद्ध करती हैं कि राम भगवान जब वनवास के समय चित्रकूट के रास्ते पे जा रहे थे तो प्रभु यहाँ पर भी आए थे। यहाँ पे आने के बाद ही प्रभु चित्रकूट की तरफ बढ़ गए थे। तो अभी हम उसी वाल्मीकि तपस्थली पे पहुंच चुके हैं, और चल के आपको आश्रम दिखाते हैं। ये तपस्थली पे ही हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं उनके बैठने के लिए चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे आने का समय जो चुना वो थोड़ा सा गलत समय चुन लिया, क्योंकि हम लोग राम वनगमन पथ की यात्रा पे हैं। तो हम लोग सुबह सुबह निकले थे, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को शाम हो चुकी, और शाम के समय यहाँ कोई भी नहीं आता, और 6 बजे के बाद तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी कोई नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये पहाड़ी पे और जंगलों के बीच में बसा हुआ है वाल्मीकि जी का आश्रम। तो अभी चल के हम आपको वाल्मीकि आश्रम दिखाते हैं और यहाँ की सारी चीज़ें दिखाते हैं। जय श्री राम। तो अभी हम लोग आश्रम में, और ये ठीक सामने चित्रकूट प्रमुख द्वार, ये मेन कुटिया हुआ करती थी महर्षि वाल्मीकि की, लेकिन इस समय गुरुजी नहीं है, इस कारण यहाँ पे मंदिर भी बंद है। और यहीं पे आप देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पे आधारित बहुत सारी आपको कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। और ये पूरा आपको इधर से जाएंगे तो ये पतला पतला रास्ता भी है, लोग इधर से भी नीचे जाया करते थे। चलते हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या है। तो ये परिक्रमा मार्ग है, जो लोग परिक्रमा करना चाहते हैं तो परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग भी एक बार परिक्रमा कर लेते हैं और आपको गुफा भी दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वाल्मीकि ऋषि की गुफा के पीछे। अभी हम लोग वाल्मीकि तपस्थली पे मौजूद हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के जो दोनों पुत्र थे लव और कुश, उनका भी जन्म इसी स्थान पे हुआ था, क्योंकि वाल्मीकि जी के आश्रम पे ही लव कुश का जन्म हुआ था, और ये वही स्थान है वाल्मीकि जी की तपस्थली। तो अभी हम लोग यहीं पे हैं। बस सबसे बड़ी दिक्कत एक ये हुई है यहाँ पे आने के बाद
कि आश्रम बंद है, इसलिए हम लोग आश्रम के अंदर नहीं जा सकते, ना ही आपको हम आश्रम के अंदर की चीजें दिखा सकते हैं, बस आपको सारी जानकारी देते जा रहे हैं। और ये अभी हम पहुंचे हैं महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली पे। ये हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पे सभी ऋषि मुनि बैठ के हवन वगैरह किया करते हैं। बात कर लेते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पे, क्योंकि कहते हैं पहले वो डाकू हुआ करते थे। वैसे महर्षि वाल्मीकि वरुण के पुत्र थे, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही महर्षि वाल्मीकि को एक भील परिवार ने चोरी कर लिया था, और उस भील परिवार का जो जीवन यापन होता था वो चोरी डकैती से ही हुआ करता था। तो महर्षि वाल्मीकि भी चोरी डकैती ही पूर्व काल में करते थे, महर्षि वाल्मीकि बनने से पहले। थोड़ी सी बात कर लेते हैं वाल्मीकि जी के जीवन पे। कहते हैं वाल्मीकि जी पहले डाकू हुआ करते थे। वैसे वाल्मीकि जी वरुण के पुत्र थे, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद एक भील परिवार ने वाल्मीकि जी को चुरा लिया था। उस भील परिवार का जो जीवन यापन चलता था वो चोरी डकैती से ही चलता था, इसीलिए वाल्मीकि जी भी चोरी डकैती ही किया करते थे। उस समय उनका नाम रत्नाकर डाकू हुआ करता था, और उनका भी जीवन यापन चोरी डकैती से ही होता था। लेकिन एक दिन उनसे मिलने नारद जी आया, उन्होंने उनके जीवन के बारे की सारी सच्चाई बताई, तब जाके डाकू रत्नाकर से वो वाल्मीकि कहलाए। उन्होंने गहन अध्ययन किया, कड़ी तपस्या की, और प्रभु श्री राम की पूरा ग्रंथ जो रामायण है उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। और इन्होंने जो वाल्मीकि रामायण लिखी थी वो प्रभु श्री राम के जन्म से पहले ही पूरी रामायण लिख दी, ऐसा कहते हैं। और तभी से महर्षि वाल्मीकि अति प्रसिद्ध हुए, और प्रभु श्री राम जब वन गमन के समय थे तो यहाँ पे आके वाल्मीकि जी से मिले भी थे, और उसके बाद कहते हैं लौकुश का जन्म भी यही वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हुआ था। और जब आप वाल्मीकि आश्रम आएंगे तो आपको चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ों का अभाव हो, जैसे पानी पीने की कोई व्यवस्थाएँ यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। भक्त आते हैं पानी कैसे पीने, टंकी में पानी नहीं है, और अगर देखें तो कोई भी नौ निर्माण यहाँ पे नहीं है। देख रेख भी लग रहा है कि बहुत अच्छे से यहाँ पे नहीं की जाती। गवर्नमेंट को, सरकार को, और निवासी जो है यहाँ के स्थानीय निवासी, उनको भी थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही तपोस्थली है, बहुत ही अच्छी तपोस्थली वाल्मीकि जी की। लोग यहाँ जो रहते हैं सोचें, उनका सौभाग्य है कि वो यहाँ पे तपोस्थली में रहते हैं।